फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सा फेयर एंड लवली का फेस पैक बताऊंगी जो स्किन को ब्राइट और वाइट बनाएगा और डार्क स्पॉट्स भी ख़त्म करेगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलते हैं। तो ये है फेयर एंड लवली क्रीम, जो बहुत ही फेमस क्रीम है और इसमें विटामिन B3, B6, सी, विटामिन सी होता है और विटामिन ई भी इसमें शामिल है। तो ये स्किन को ब्राइट करती है और जो है गोरा बनाती है। तो उसके लिए हम एक बॉल लेंगे, जो ज़बरदस्त सा हम इसमें इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। उसके लिए पहले हम फेयर एंड लवली एक बॉल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, फेयर एंड लवली हम तकरीबन हाफ स्पून जितनी या एक स्पून जितनी, टी स्पून जितनी हम ले लेंगे एक बॉल में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम फेयर एंड लवली का कुछ हिस्सा इसमें लेके और इसमें मिक्स करेंगे अपना एक ख़ास इंग्रेडिएंट, सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर जो है हमारे स्किन को जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उन्हें ख़त्म करता है और धूप से झुलसी हुई स्किन को भी ठीक करता है। और मेरे पास है ये सैंडलवुड पाउडर सईद गनी का। आप कोई भी जो कंपनी अवेलेबल हो आपके पास, आप उसका ले सकते हैं पाउडर। और ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, रंग भी फेयर करता है और ग्लोइंग बनाता है स्किन को। इस तरह से ये मिलता है और अब मैं इसमें पाउडर लूँगी सैंडलवुड पाउडर का। तो मैं तकरीबन हाफ टी स्पून जितना इसमें सैंडलवुड पाउडर का लूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये स्किन को, इसकी स्मेल भी बहुत ही, मतलब इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है और ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। धूप के साथ को ख़त्म करता है, रंग को फेयर करता है। और इसको इस तरह से हम लेके मिक्स करेंगे। इसमें अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे, हमारा ये एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल स्किन को ठंडक देता है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है और स्किन को ब्राइट भी बनाता है। इस तरह से हम तकरीबन हाफ टी स्पून जितना हमने इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल को, ठीक है। ये ज़बरदस्त फेस पैक है जो स्किन को ठंडक भी देगा और ब्राइट और वाइट भी बनाएगा और स्किन पे जो गर्मी के असरात होते हैं उन्हें भी ख़त्म करेगा। इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे कि तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं फेयर एंड लवली और ये सैंडलवुड पाउडर और ये हमारा एलोवेरा जेल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हमें इसको मिक्स 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 और बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि तमाम इंग्रेडिएंट यकजा हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये ज़बरदस्त हमारा फेयर एंड लवली फेस पैक तैयार है। इसे लगाना किस तरीके से, ऐसे लेके आप लगा लें पूरे फेस पे और इसको धूप में से आने के बाद भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि धूप के जो असरात हैं फेस पे से ख़त्म हो जाएं। इस तरह से लेके इसको पूरे फेस पे लगा लें, ठीक है। और इसको तकरीबन 10-15 मिनट लगे रहने दें और फिर सादा पानी से मसाज करते हुए धो दें। तो ये बहुत ही अच्छा स्किन को ब्राइट, ग्लोइंग और वाइट बना देता है। और इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें सैंडलवुड पाउडर है जो इस एक फ्रेश जो है फील करवाता है और स्किन भी इससे फ्रेश और ग्लोइंग हो जाती है। इस तरह से इसको लगा के तकरीबन आप 10-15 मिनट छोड़ दें, फिर सादे टेप वाटर से मसाज करते हुए इसे धो दें। तो बहुत ही अच्छा ये स्किन को ब्राइट और वाइट बना देता है। तो ये देख सकते हैं मैंने 10 मिनट बाद ही इसको वॉश कर दिया है और ये इस स्किन में और स्किन में आपको डिफरेंस महसूस हो रहा होगा, तो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फेयर एंड लवली फेस पैक को। आई होप कि आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।